नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और कम्युनिटी बाजार में कहां पर कितने कमाई के मौके हैं, कहां पर कैसी अपॉर्चुनिटीज आज देखने को मिल रही हैं और इस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले यहाँ पे हम MCX कॉटन से। रूपा जी, जहां पर MCX कॉटन में सभी जानकारों को लग रहा था कि ऊपरी स्तर पर यहां पर मुनाफा वसूली बनेगी, वहीं पे आप देख रहे हैं कि कॉटन यहां पर लगातार तेजी की ओर है। मुनाफा वसूली की बजाय कॉटन लगातार तेजी की ओर बढ़ते जा रही है। पहले 44,000, फिर 45,000, अब देख रहे 46,600 के ऊपर ट्रेड करती नजर आ रही है। रूपा जी, खबरें निकल के सामने आई है कि चाइना में जो कॉटन बेल्ट है वो ड्राउट कंडीशन के चलते और वेदर कंडीशन के चलते वहां पर खराब हुई है। तो ऐसे में चाइना, जो कॉटन का सबसे बड़ा उत्पादक और आयातक देशों में से एक है, वहां पर ऐसी कंडीशन पैदा होना कॉटन में, इसका असर ओवरऑल बाजार पर कैसा देखने को मिल सकता है अब आगे? देखिए, कॉटन में अभी ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और लगातार प्राइसेस ऊपर सस्टेन होते भी दिखाई दे रहे हैं। और अब जिस तरीके से हमने MCX में इसमें ट्रेड आता हुआ देखा है, 40,800 पर फिलहाल बाजार ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से अब मान के चलिए 48,000 का स्तर संभव है कि टच हो सकता है, जिस हिसाब से तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। और डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी अभी उछाल है और अभी भी 200 रुपए की तेजी जो है फिजिकल में भी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो फिलहाल के लिए ट्रेंड पॉजिटिव है। अभी सप्लाई का जो कंसर्न है वो बना हुआ है एज इट इज। अब ये जो चाइना से अपडेट निकल कर आ रहे हैं ये भी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से तेजी में है मार्केट। लेकिन देखिए, वहीं करेक्शन कभी भी आती हुई दिखाई दे सकती है, बाजार कभी भी लुढ़कते हुए नजर आ सकते हैं। और ये लेवल जो है सस्टेनेबल लेवल नहीं है, ये सिर्फ अभी जो क्रॉप डैमेज हुई उसकी वजह से प्राइसेस जो है ऊपर बने हुए हैं। और ये साल बेहतरीन साल है और मुझे लगता है कि इस साल नए रिकॉर्ड कायम हुए हैं कॉटन के, और अगला साल जो है वो प्रेशर वाला रह सकता है। और इन लेवल्स के ऊपर भी बाइंग सस्टेनेबल नहीं है, कभी भी करेक्शन बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मार्केट में अपनी पोजीशन बनाई जा सकती है। जी, ये से रूपा जी बिनौला खल की बात करें तो बिनौला खल देख रहे हैं 2800 के ही ऊपर है। रूपा जी, आपको क्या लगता है बिनौला खल तेजी कब तक दिखाएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं फंडामेंटल्स ओवरऑल बिनौला खल के मजबूत हैं, तेजी वाले ही हैं, लेकिन तब भी बिनौला खल तेजी नहीं पकड़ पा रहा है। और इस बार पहली बार देख रहे हैं कि फिजिकल में बिनौला खल महंगा है और वायदा में मंदा, ऐसा क्यों? देखिए, बिल्कुल फिजिकल में काफी ऊपर है और वायदा के अंदर जो है प्राइसेस काफी नीचे हैं। तो अभी देखिए, इसमें कॉटन जो है वो हो सकता है कि अहम रोल प्ले करता नजर आ रहा हो, लेकिन अभी देखा जाए तो फिजिकल के अंदर प्राइसेस जो है 3200 के आसपास है। जबकि हाजिर इधर हम एमसीडीएस को देख रहे हैं कि 2800 के आसपास और मार्केट है। तो बाजार जो है थोड़ा सा ऊपर में जा सकता है यहाँ से। मई वादा फिजिकल तेज है तो 2900-2950 का स्तर ऊपर में बनता हुआ दिखाई दे सकता है। इनफैक्ट 3000 तक की भी तेजी आ सकती है, लेकिन यही तेजी सस्टेनेबल होगी या नहीं ये कहना काफी मुश्किल रहेगा। तो काफी वोलेटाइल है मार्केट, तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म रैली में इसमें बाइंग पोजीशन बन सकती है। जी, ये सिर्फ जी बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में देख रहे हैं कि जीरे का जो एक्सपोर्ट है वो मंदा हुआ है, ऊपरी स्तरों पर उठाव भी कम है। दूसरा, इस बार इसका जो प्रोडक्शन है और रकबा अब जो बताया जा रहा है आगे वो भी कम ही बताया जा रहा है। ऐसे में आपको क्या लगता है यहाँ पर ये जो जीरा है जो एक ब्रेकआउट लेवल नहीं दे पा रहा है अब यहाँ से, वो कब तक एक्सपेक्टेड है? देखिए, अभी थोड़ा सा बाजार रुक गए हैं क्योंकि डेफिनेटली एक्सपोर्ट डिमांड के ऊपर असर आया है, जिसकी वजह से पहले एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप होते नजर आ रहे थे और क्रॉप भी काफी कम थी, उस वजह से हमने सपोर्ट आते हुए देखा था। और अभी भी मार्केट जो है उसी रिएक्शन के अंदर है। और अभी भी देखिए 20,000 जीरे का लेवल है जो बना रहेगा। 20,000 अगर टूटता है तब हम मान सकते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा डाउनफॉल एक्सपेक्टेड है, किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए 20,000 सस्टेनेबल है, 20,000 से 22,000 इसी रेंज में फिलहाल मार्केट बनी रह सकती है। थोड़ा सा मार्केट जो है इन्हीं लेवल के ऊपर सस्टेन करता दिखाई दे सकता है, इससे ज्यादा अभी फिलहाल तेजी रुकती हुई नजर आ रही है क्योंकि डिमांड काफी नीचे गिर चुके हैं। जी रूपा जी, बात करें यहाँ से अगर आप ग्वार के बाजार की, तो ग्वार में देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ करेक्शन आई है। ग्वार गम का वायदा बाजार 12,000 के नीचे लुढ़का है, 11,700 पर है। और ग्वार सीड का वायदा बाजार देख रहे हैं कि ग्वार सीड का वायदा बाजार भी लुढ़का है, 6,200-6,300 के बाद अब 6,000 पर आ गया है।
रूपा जी, आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से कच्चे तेल की फंडामेंटल्स हैं उसके मद्देनजर ग्वार गम ग्वार सीड का बाजार अब यहाँ से तेजी की ओर जाना चाहिए या फिर मंदी की ओर? देखिए, अभी फंडामेंटल तो सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को, इसी वजह से हमने इसके अंदर तेजी आते हुए देखी थी और अभी भी मार्केट जो है वो सस्टेनेबल है और बाजार जो है थोड़ा करेक्शन में 6000 तक रुका है, लेकिन वहां से वापस से बाजारों में पॉजिटिवनेस बनते हुए दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा भी फिलहाल गिरावट का रुझान नहीं है। देखिए, मुझे लगता है कि अगर 6000 के ऊपर सस्टेन रहता है तो वापस से 6200-6300 तक जाएगा और अगर 6000 के नीचे रुक गया मार्केट तो 5800 तक की भी करेक्शन उसमें बन सकती है। वहीं गम के अंदर 10000 के आसपास सपोर्ट रहेगा। ओवरऑल ट्रेंड जो है थोड़ा बहुत करेक्शन वाला आ सकता है, लेकिन वापस से वहां से खरीदारी लौटती हुई नजर आ सकती है। जी जी, देख रहे हैं कैसे सीड भी बीच में तेज हुआ था लेकिन फिर से करेक्शन आई और कीमतें अब यहाँ पे 7200 के ऊपर सस्टेन है। आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से फंडामेंटल्स हैं तो क्या कैसे सीड आने वाले समय में अच्छी तेजी दिखा पाएगा? देखिए, लंबे अरसों से हम देख रहे हैं कि यहीं पर सस्टेन है। जब तक 7500 के लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक इसमें तेजी उम्मीद नहीं है, उसी रेंज में घूमता रहेगा। 73-75 इनफैक्ट 7400 तक के भी लेवल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकते हैं। जी यशरूपा जी, बात करें अगर सोयाबीन की तो पोल्ट्री की तरफ से मांग उठी थी कि सरकार को जीएम सोयाबीन का आयात कर लेना चाहिए और सरकार ने अब 5.5 लाख टन जीएम सोयाबीन आयात करने की अनुमति भी पोल्ट्री उद्योग को दे दी है। ऐसे में आपको क्या लगता है, अगर आयात होता है और अब बुआई का सीजन भी नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर नहीं है बुआई का सीजन भी, कुछ ही महीनों में बुआई का सीजन शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में सोयाबीन का बाजार गिरावट की ओर जा सकता है या फिर अभी यहाँ पे जो सोयाबीन है वो सस्टेन रहेगी? देखिए, एक बार दोबारा से देखिए, सोयाबीन की जहाँ तक बात है, सोयाबीन थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी आ सकती है लेवल के ऊपर और अभी फिलहाल जो है बाजार एक रेंज में घूमते हुए दिखाई दे सकते हैं। देखिए, एडिबल ऑयल पैक ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है, अभी भी मार्केट जो है डिमांड फैक्टर हावी है और अभी प्राइसेस पीछे गिरे थे लेकिन अब वापसी से थोड़ा सा सस्टेन हुआ है मार्केट और यहीं पर मार्केट घूमता हुआ नजर आ सकता है। जी यशरूपा जी, बात करें अगर खाद्य तेलों की तो रिसेंटली इंडोनेशिया ने सीपीओ पर बैन लगाया है लेकिन इसी बीच सरकार भी कोशिश कर रही है, सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं कि जो सरकार है वो सेस कम कर सकती है जिससे कि इंपोर्ट ज़्यादा किया जाए। लेकिन रूपा जी, देखने वाली बात यह है कि ये जो किल्लत है सिर्फ भारत में ही नहीं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रही है, तो ऐसे में सेस कम कर देना जिससे कि ज़्यादा आयात किया जा सके, लेकिन विदेशों में भी तो खाद्य तेलों की किल्लत ही है, तो ऐसे में ज़्यादा इंपोर्ट पॉसिबल हो पाएगा क्या? देखिए, इंपोर्ट तो अभी बहुत ज्यादा पॉसिबल नहीं है क्योंकि ओवरऑल ही हम देख रहे हैं कि सप्लाई का क्रंच है और डिमांड अच्छी खासी है और जिस तरीके से सीपीओ के ऊपर बैन लगाया गया इंडोनेशिया की तरफ से तो अभी जो मार्केट में सप्लाई जो है और ज्यादा डिस्टर्ब होती हुई दिखाई दी है, लेकिन वही ये भी माना जा रहा है कि इसको जो है इस सप्लाई को डिमांड के अकॉर्डिंग मीट किया जा सकता है डोमेस्टिक लेवल पर, लेकिन अभी पिक्चर कुछ और ही नजर आती है। अभी देखिए, जो सप्लाई है वो काफी डिस्टर्ब नजर आती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत ज्यादा गिरावट बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर मार्केट बढ़ते नहीं है तो गिरेंगे भी नहीं और मार्केट जो है यहाँ पर सस्टेन रहते हुए नजर आ सकते हैं। जी रूपा जी, एग्री कम्युनिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी आप? देखिए, अभी एग्री कमोडिटीज में जो है काफी उठापटक हम देख चुके हैं और प्राइजेस जो है निचले स्तरों पर आ चुके हैं, तो ऐसे में अभी जो मार्केट है उससे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखना चाहिए। इनफैक्ट ग्वार जो है मुझे वो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, यहाँ से अगेन ग्वार के अंदर बाय किया जा सकता है। 6200 का स्तर स्पीड में देखने को मिल सकता है तो वही 12000 का स्तर गम में भी एक्सपेक्टेड है कि आ सकता है, तो इसके अंदर बाय करके चला जा सकता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि कम्युनिटी बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और कहां पर कितने कमाई के मौके हैं उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन अब कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का दौर लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।